Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the topic living with the angels. According to the Quran, God has created an ideal world called paradise. Paradise has a beginning, but it has no end. It is a perfect eternal world and the final destination for all believers. God has also created this planet Earth. He created man and woman and settled them on the planet Earth. He bestowed on them freedom of choice. Then he sent prophets from time to time for all races to guide humanity on what is wrong and what is right, on what is good and what is bad. This piece of guidance is not to be followed at a compulsive level, but individuals have to develop moral consciousness and develop a thinking so that they can lead a God-oriented life and be on the straight path. So God set up a very comprehensive recording system, angels, who observe us, support us, and record every deed, every action, conduct, behavior with one another. It is this record which will decide on the day of judgment whether we will be rewarded or punished. In chapter 41, Quran says, angels are our companions in this world and in the hereafter. So, chaliye aaj isi mauzu par charcha karte hain Farida aapa ke saath. Assalamu alaikum aapa, kaisi hain aap? Wa alaikum assalam, sab theek hai, aap theek hain? Ji, alhamdulillah. Aapa, jaisa ki hum jante hain ki belief in angels is the basic tenet of the Islamic faith. और कुरान और हदीस में भी बार बार जिक्र आया है फरिश्तों का. तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बिलीफ इन एंजल्स के बारे में आप हम सबको कुछ बताएं. जैसे आपने बताया कि ना कि बेसिक टेनेट है, तो बुनियादी अकीदा है और ईमान मुफस्सल में पूरा डिटेल है. तो मुफस्सल ईमान की, तो उसमें फरिश्तों पर ईमान लाना जो है वो ज़रूरी है. असल में फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है इसलिए कि हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट खुदा से नहीं होता. यही एंजल्स हैं जिनके ज़रिए से हमारा कांटेक्ट खुदा से होता है. तो उन पर ईमान लाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी. तो इसका माने ही, एंजल के माने ही मैसेंजर के हैं. ये असल में ग्रीक वर्ड है. तो मैसेंजर यानी इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड मैन. तो गॉड स्पीक्स थ्रू दीज एंजल्स टू ह्यूमन बीइंग्स. बस यही है कि ये लोग इनविजिबल होते हैं. कभी कभी ये ह्यूमन फॉर्म में भी अपीयर होते हैं जब इंसान उनको देख सकता है, लेकिन उनकी असल शक्ल में सिर्फ प्रॉफिट्स देख सकते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार उनको असल शक्ल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा है. तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो उसको चलाने के लिए कितने सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं. तो ये दुनिया जो है, ये यूनिवर्स जो है, एक बहुत बड़े कारखाने की मानिंद है. तो इसको चलाने के लिए बेशुमार, मतलब इन्यूमरेबल एंजल्स हैं जो इसको चला रहे हैं. एंजल्स जो हैं बिल्कुल खुदा के ताबेदार बंदे हैं और बिल्कुल खुदा के हुक्म के तहत हर काम करते हैं. तो ये बिल्कुल ही खुदा की डिसोबीडियंस नहीं करते हैं ये. तो इनका यही काम है कि सारी दुनिया का निज़ाम चलाना और इंसान को हर मौके पर गाइड करना. When Allah told the angels that he will be creating a vicegerent or a khalifa on the planet Earth, the response that angels gave, it indicated a sort of an objection to the creation of Adam. तो आप इसके बारे में बताएं, इस किस्से के बारे में आप बताएं. जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा यानी बा इख्तदार मखलूक बनाने वाला हूँ जिसके पास फ्रीडम होगी, तो चूंकि इन इंसानों से पहले जिन जो हैं वो इस दुनिया में आबाद किए गए थे, तो उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा
खून बहाया था, बहुत ज़्यादा फसाद मचाया था, तो वो समझ रहे थे कि अब एक नई मखलूक आएगी तो वो भी ऐसे ही करेगी। तो इस वजह से उन्होंने एतराज़ किया था कि फसाद करेंगे, खून बहाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी वो ये समझ रहे थे कि एक नई क्रिएचर होगी और सारे के सारे जो हैं खुदा के वफादार बंदे बन नहीं सकते जब उनको आज़ादी दे दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम आपके वफादार हैं, हम हर वक्त आपकी इबादत करते हैं, तस्बीह करते हैं, और ये लोग फसाद करेंगे। तो ये था क्योंकि आज़ादी की वजह से, फरिश्तों को आज़ादी नहीं है, वो खुदा के हुक्म के ताबे हैं। आप समझ सकते हैं रोबोट की मिसाल से, उनको आज़ादी नहीं होती, जैसे उनको प्रोग्राम कर दिया जाता है बस वो वैसे ही काम कर सकते हैं। तो फरिश्तों को आज़ादी नहीं दी गई है, सिर्फ इंसान। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है कि उसको आज़ादी दी गई है, अच्छे और बुरे की तमीज़ दी गई है, कॉन्शियंस उसको दिया गया है, तो वो सेलेक्ट कर सकता है क्या बेहतर रास्ता है, कौन क्या रास्ता जो है उसको सच्चाई की तरफ ले जाएगा। तो जब अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया कि तुम, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, फिर हज़रत आदम को अल्लाह ने कुछ सिखाया, को अभी तो वो नए उसी वक्त पैदा किए गए थे, तो कुछ बताया। तो हज़रत आदम ने वो बात बताई, मौलाना ने लिखा है कि हज़रत आदम ने पूरी इंसानी तारीख के बारे में बताया कि उसमें कितने लोग अच्छे निकलेंगे, कुछ तो ज़रूर उसमें वो निकलेंगे जो शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी एक बड़ी मकदार उनकी, बड़ी तादाद उनकी अच्छी निकलेगी। तो फरिश्ते जो हैं वो मुतमईन हो गए। फिर जब अल्लाह ताला ने कहा कि आदम के आगे सजदा करो, यानी आदम के आगे झुक जाओ, तो फरिश्ते जो हैं झुक गए। झुकने का ये मतलब था कि इबादत तो सिर्फ खुदा की करनी है, लेकिन झुकने का ये मतलब था कि इंसान जो है कमज़ोर मखलूक है, उसको बार बार ज़रूरत होगी किसी और की, तो फरिश्ते मुसलसल उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से झुकने का ये मतलब था। तो वो झुक गए, और इबलीस जो जिन्नों का सरदार था, तो वो नहीं झुका। उसने कहा कि मैं आग से बनाया गया हूँ और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, तो मैं क्यों झुकूं? तो ये वो कुछ लोग समझते हैं कि वो फॉलन एंजल था, यानी एंजल्स में से एक एंजल था, वो उसने बगावत कर दी थी। वो ऐसा नहीं था, इस्लाम के मुताबिक वो जिन था, जिन्नों का सरदार था वो, तो उसने बगावत कर दी थी। तो ये जो है असल में क्यों हम बहक जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो हर इंसान के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता साथ में रखा हुआ है, तो वो हमारा ये टेस्ट है, हम अपने टेस्ट के लिए कि हम शैतान की सुनते हैं या फरिश्ते की सुनते हैं, यानी जो हमारे अंदर कॉन्शियंस है उसी के ज़रिए से हमें फरिश्ता जो है हमें मोटिवेट करता है भलाई के काम करने के लिए, और जो हमारे अंदर ईगो है उसके ज़रिए से शैतान हमें गलत रास्ते की रहनुमाई करता है। तो इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है हज़रत अबू बकर की, इससे बहुत ये बात क्लियर हो जाती है कि जब हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, एक आदमी ने बहुत बुरा भला कहा, काफ़ी देर तक हज़रत अबू बकर सुनते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे, मतलब अच्छे सही मूड में थे। जब हज़रत अबू बकर बहुत ज़्यादा वो कहने लगा तो हज़रत अबू बकर जवाब देने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हो गए और आप वहाँ से उठ गए। तो हज़रत अबू बकर ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि जब वो इतना ज़्यादा बुरा भला कह रहा था, जब मैं चुप था तो आप तो बैठे हुए थे और आप सही, आपके चेहरे से लग रहा था कि आप खुश हैं, और फिर बाद में आप चले गए। तो तब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुमको वो आदमी बुरा भला कह रहा था तो फरिश्ता तुम्हारे बदले जवाब दे रहा था, जब तुमने खुद जवाब देना शुरू कर दिया तो वहाँ शैतान आ गया
और फरिश्ता चला गया, तो इसलिए मैं वहाँ से उठ गया। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर हम अपने कॉन्शियंस की सुनेंगे, भले काम करेंगे, तो हमारे पास फरिश्ता रहेगा। फरिश्ता हर वक्त हमारे पास रहता है, लेकिन हम बुरा काम करेंगे तो वो हट जाएगा और शैतान उसकी जगह आ जाएगा। तो ये है, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि हमें हर वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि फरिश्ता हमारे पास रहे, वही हमें गाइड करता रहेगा सीधे रास्ते पर चलने की। जी, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने बताया ये हज़रत अबू बकर का। और आपने जिस तरह कहा कि हर शख्स के साथ एक फ़रिश्ता हमेशा मौजूद रहता है, तो आप, मैं चाहूँगा कि इसी को आप थोड़ा और वाज़े करके बताएं कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एंजल्स विद ह्यूमन बीइंग्स, इसके बारे में बताएं। असल में इंसान देखिए बहुत ही कमज़ोर है, उसके अंदर बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी वो टेम्प्ट हो जाता है, उसके इंटरेस्ट होते हैं। तो अल्लाह ताला तो सब जानते थे, तो अल्लाह ताला ने पहले ही उसके लिए एक गार्जियन मुकर्रर कर दिया फरिश्ते की शक्ल में, कि वो इंसान को अच्छी बातों की तरगीब देता रहे। लेकिन चूंकि वो दिखाई नहीं देता, तो इंसान समझ नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में आता है कि ये बात सही है, लेकिन हम टेम्प्ट हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट की वजह से और हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि कौन बात शैतान की बात है और कौन बात फरिश्ते की बात है। कुरान में आया है सूरह अर्राद में कि हर शख्स के आगे और पीछे उसके निगरान हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एंजेलिक कंपेनियन है, तो वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। अच्छा, जो हमारे अमल को जो फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो किरामन कातिबीन, वो अलग हैं, और ये अलग है जो कंपेनियन है हमारा। तो एक एंजेलिक कंपेनियन है और एक जिन में से एक कंपेनियन है। तो ये हमारे साथ, समझ लीजिए, तीन फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं। तो ये फरिश्ता, इसी को करीन कहा गया, यानी कंपेनियन। तो फरिश्ता कंपेनियन जो है वो हमें भलाई की तरफ तरकीब देता है, और जो है जिन कंपेनियन जो है हमें बुराई की तरफ तरकीब देता है। तो कई बार आप देखते हैं कई चीज़ें लोगों की गुम हो जाती हैं, तो किसी को मिलती हैं, तो कई बार वो ले लेता है, मतलब वो अब टेम्प्ट हो जाता है कि इसमें तो किसी का पर्स गुम हो गया, किसी का मोबाइल गुम हो गया। कई बार मिल भी जाता है। एक बार डॉक्टर प्रधान अपना मोबाइल जो है अपने यूबर में छोड़ दिया उन्होंने, और दूसरा दूसरा दिन हो गया, वो समझे कि चला गया, उसमें सारे कार्ड वगैरह थे। तो फिर उसका खुद टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन आया कि आपका वो पर्स मिला है, कहाँ आपको पहुँचाऊँ मैं। तो उसने अपने जिन कंपेनियन की बात नहीं सुनी, अपने फरिश्ता कंपेनियन की बात सुनी, वो घर पे लाके दे गया। तो एक बार मेरा मोबाइल भी लोधी गार्डन में छूट गया था। मैं समझी गया कि मोबाइल तो छूट जाता है तो फिर मुश्किल से ही मिलता है। तो मैंने फ़ोन किया तो उसने उठाया और उसने कहा कि हाँ, मेरे पास है, आके ले लीजिए। वो पता नहीं वो फरिश्ता ही था क्या था। फिर मैं उसको थोड़ी देर में मैं उसको ढूंढने लगी, वो मुझे मिला ही नहीं, वो आदमी। तो फरिश्ते जो हैं, देखिए, ज़्यादातर तो वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन कभी कभी वो विजिबल इंसान की शक्ल में हो जाते हैं। तो वो मुझे, उसने मोबाइल दे दिया। फिर उसके बाद मैं बहुत ढूंढती रही, कई बार बल्कि लोधी गार्डन गई कि देखें उसको, वो मिला ही नहीं मुझे। तो इस तरीके से हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि हम हर वक्त अपने फरिश्ता कंपेनियन से मोटिवेशन लेते रहें और शैतान को दूर भगाते रहें। तो इस तरीके से हम हमेशा हिदायत पर रहेंगे, दुनिया में भी हिदायत पर रहेंगे, और वो हमें आखिरत की का सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमें इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे साथ फरिश्ता कंपेनियन किए ही है, ताकि हम मुसलसल वो हमें खुदा के रास्ते की तरफ तरगीब देते रहें। और उन्होंने कहा भी है कि कुरान
कुरान में आया है कि हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं। तो ये बात जो है बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका एहसास होना जी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया आपने। मतलब भलाई करने का मतलब है एंजल्स को दावत देना और बुराई करने का मतलब है शैतान को दावत देना। और आप एक बहुत अच्छी मुझे रवायत भी याद आती है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू से है। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया और उसने कहा कि आई हैव रिलेटिव्स हु हैव सेवर्ड देयर टाइज विद मी, मैं उनके साथ काइंडनेस करता हूँ बट वो मुझे टॉर्चर करते हैं, मैं उन्हें फॉरगिव करता हूँ लेकिन वो मुझे ट्रबल करते हैं, तो रसूलुल्लाह क्या मैं अपना रिवेंज ले लूँ? तो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि इफ़ यू डू दिस देन यू विल इक्वेट योर सेल्फ विद देम, यू कंटिन्यू टू डू गुडनेस विद देम एंड अल्लाह विल डिप्यूट एन एंजल एज अ गार्ड टिल यू कंटिन्यू डूइंग दैट। तो आपा ये बहुत ही अच्छी हदीस है, से जैसे आपने भी समझाया कि अगर हम सही माने में लेटर और स्पिरिट में हम काइंडनेस फॉरगिवनेस अच्छा कंपैशन अच्छा बिहेवियर रखें तो अल्लाह की तरफ से ये सिक्योरिटी है कि हमारे लिए एक फरिश्ता डिप्यूट हो जाएगा एज अ गार्ड एंड ही विल कंटिन्यू एज अ गार्ड टिल वी कंटिन्यू टू कंडक्ट आवरसेल्फ्स इन दैट वे। आपा तो जैसा कि हम जानते हैं और आपने भी अभी बताया कि तीन तीन फरिश्ते, आपा हकीकत में तो बहुत इन्यूमरेबल एंजल्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हम सबको बताएं कि व्हाट आर द हु आर द मेन एंजल्स एंड व्हाट इज़ देयर रोल, इसके बारे में आप हम सबको बताएं। फरिश्ते तो बेशुमार हैं। एक हदीस के मुताबिक ज़मीन में चार अंगुल ज़मीन भी ऐसी नहीं है जहाँ कोई फरिश्ता खुदा के आगे सर बसजूद ना हो, खुदा की इबादत ना कर रहा हो। तो लेकिन कुछ फरिश्ते बहुत मेन हैं जो कि कुरान में और हदीस में जिनके बारे में ज़िक्र आया है। तो मिसाल के तौर पर सबसे बड़े आर्क एंजल तो हज़रत जिब्रील हैं। हज़रत जिब्रील की ख़ास ड्यूटी है खुदा का पैगाम खुदा के मैसेंजर्स को लेकर जाना, तो ये उनकी ख़ास ड्यूटी है। तमाम बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो हैं जिनके पास खुदा का पैगाम आया तो हज़रत जिब्रील ही लेकर आए उनको। तो दूसरे हैं हज़रत इसराफील। हज़रत इसराफील जो हैं वो सूर फूकेंगे क़यामत के दिन, जब क़यामत में दो सूर फूके जाएंगे। एक पहले सूर फूका जाएगा जब सब लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर दूसरा सूर फूका जाएगा जब सारे लोग उठकर रिवाइव हो जाएंगे और फिर जहाँ खुदा का अर्श होगा उसकी तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये इनका ये वसूर लिए वो खड़े हुए हैं इंतज़ार में कि कब खुदा का हुक्म होगा और वो सूर फूकेंगे। तो फिर हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं, ये बारिश बरसाते हैं, जो मौसम इतने टाइम टाइम से मौसम आते हैं हमेशा हज़ारों साल से, तो उसके ऊपर भी फरिश्ता मुकर्रर है। तो ये फरिश्ते बहुत ही ताकतवर फरिश्ते होते हैं। तो पहले अब तो थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन पहले बिल्कुल ठीक वक्त पर आज़मगढ़ में उधर ईस्टर्न यूपी में मुझे याद है कि 13 जून को बारिश शुरू हो जाती थी। तो अब ऐसे खुद से तो हो नहीं सकता कोई भी काम इस तरीके से इतनी रेगुलरिटी के साथ इतने डिसिप्लिनड वे के साथ, तो खुद से नहीं हो सकता, तो उस पर फरिश्ता मुकर्रर है। तो फिर एक मलकुल मौत है जिनका नाम वो इज़ाइल, तो वो हैं एंजल ऑफ डेथ, ये जान कब्ज करके फिर खुदा के पास उसको ले जाते हैं। फिर उसके बाद एक मुनकर नकीर हैं जो जब इंसान कब्र में जाता है तो उससे सवाल जवाब करते हैं। रिजवान ये वो हैं जो जिनका जिक्र आया कुरान में और हदीस में, रिजवान जन्नत के गार्ड हैं दरबान हैं। और इसमें किरामन कातबीन जो हैं वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे तमाम अमल का ये रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो हमारा कुरान में आया है कि लोग कहेंगे कि ये कैसा रिकॉर्ड है जिसने छोटे से छोटा बात भी जो है रिकॉर्ड करने से छोड़ी नहीं है। तो हर वक्त हमारा रिकॉर्ड वो लोग तैयार कर रहे हैं।
अब उनके रिकॉर्ड को तैयार करने का बहुत क्या तरीका होगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो वो हमारा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने जहन में महफूज रखें, हर वक्त इसको याद रखें, तो हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर वक्त याद रहेगा ना कि हमारा ये अमल रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये चीज़ हमें हर गलत काम से हमें बचा लेगी। दो फरिश्ते थे, हारूत मारूत, तो ये जादू सिखाते थे बेबीलोनिया में। तो ये जादू सिखाते थे, लेकिन ये बतौर आजमाइश था। तो वो खुद कहते थे कि देखो ये आजमाइश है, तुम लोग मत सीखो। लेकिन जिन लोगों के दिलों में टेढ़ थी, वो कुछ उससे बुरा करना चाहते थे, किसी की बुरा करने के लिए भी जादू लोग सीखते हैं, तो वो लोग उनसे जादू सीखते थे। जो आज दुनिया में जादू है ना, हो सकता है उन्हीं से आया हो ये, तो लोगों ने उसको सीखा और हमेशा गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। फिर जब सज़ा अल्लाह ताला देता था, जो कौम बहुत ज़्यादा गलत काम करती थी, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्हें 900 बरस तक अल्लाह की दावत दी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनकी सुनी नहीं, और प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। तो उनके जब अल्लाह ताला उन बस्तियों को तबाह करने का इरादा करता है, तब भी फरिश्तों के ज़रिए से करवाता था। हज़रत इब्राहिम के पास और हज़रत लूत के पास वो फरिश्ते आए थे जिन्होंने कौम लूत को डिस्ट्रॉय किया था। फिर हज़रत मैरी के पास, तो ऐसा ऐसा बहुत कम होता था, सिर्फ हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा ने देखा फरिश्ते को। हज़रत मैरी के पास फरिश्ता आया था, वो तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही आए थे। उनको रूहुल अमीन भी कहा जाता है, कुरान में उनका आया है रूहुल अमीन, यानी द ट्रस्ट वर्दी। तो वो उनके पास आए थे और उन्होंने आपको खबर दी थी कि आपके पास एक एक बहुत ही वफ़ादार एक बेटा पैदा होगा और वो खुदा का मैसेंजर होगा। तो वो उन्होंने खबर दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इंसान की शक्ल में कई बार आए हज़रत जिब्रील, तो वो दहिया कल्बी की शक्ल में भी आए हैं और एक बदुइन की शक्ल में भी आए हैं। दहिया कल्बी काफ़ी हैंडसम थे, तो उनकी शक्ल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई लोग बैठे हुए थे, तो कुछ एक एक इंसान आया और वो मतलब उस डिज़र्ट में, तो हर आदमी जो है गर्मी में, डिज़र्ट में, सहरा में, धूप में, तो पसीना पसीना हो जाता था, लेकिन वो एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए, बिल्कुल फ्रेश। तो लोगों को बहुत हैरानी हुई कि कौन आदमी है। फिर उसने आगे सवालात पूछने शुरू किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ईमान के बारे में बताइए और एहसान के बारे में बताइए। तो जब आप बताते तो वो कहता कि सद्दकता, आपने सच कहा। तो लोगों को और हैरानी हुई कि ये कौन है जो आपको कह रहा है कि आपने सच कहा। तो उस वक्त हज़रत उमर भी बैठे हुए थे, तो उसके बाद हज़रत उमर बहुत देर तक बैठे रहे, वो तो चला गया। फिर उन्होंने पूछा कि आपसे कि ये कौन आदमी था, तब उन्होंने बताया कि हज़रत जिब्रील आए थे तुम लोगों को इस्लाम के बारे में बताने के लिए। तो वो जब इंसान की शक्ल में आते हैं ना, तब हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो असली शक्ल में होते हैं, तब वो इनविजिबल होते हैं। चूंकि फरिश्ते नूर से बने हुए हैं, तो वो अपनी कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो ये है। जी, जज़ाकअल्लाह आपा। ये तो बहुत अच्छी और गुड इन्फॉर्मेशन दैट यू शेयर्ड विद ऑल ऑफ अस। आपा, मैं एक एंजल के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं हया तो साबा पढ़ रहा था और मेरी नज़र से इन एंजल के बारे में इन्फॉर्मेशन गई, तो आई वॉन्टेड टू शेयर, बिकॉज आपने बताया जैसे बहुत बेशुमार एंजल्स हैं, लेकिन ये एक रिवायत के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा। ये रिवायत हज़रत इरबाज़ बिन सारिया से रिलेटेड है कि वो एक रसूलुल्लाह के सहाबी थे और बहुत बूढ़े हो गए थे, और इसलिए वो ये दुआ करते थे कि अल्लाह उनको मौत दे दे। तो वो ये कहते थे कि अल्लाह, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी हड्डियाँ पतली और कमज़ोर हो गई हैं, तो तू मुझे मौत तक पहुँचा दे। तो एक बार ऐसा हुआ, आपा, वो दमिश्क के मस्जिद में बैठे हुए थे, तो एक नौजवान जो बहुत ही
हसीन और जमील था वो उनके पास आकर बैठ गया। तो उन्होंने उनसे कहा हज़रत अरबाज़ से कि आप ये क्या दुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं क्या दुआ करूं। तो उन्होंने कहा कि आप ये दुआ क्यों नहीं करते कि ए अल्लाह तू मेरे अमल अच्छे कर दे और तू मुझे मौत तक पहुंचा दे। तो जब हज़रत अरबाज़ ने ये सुना तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रबैल हूँ और मैं मोमिनों के दिलों में से गम निकाल लेता हूँ। ही वॉज़ एन एंजल हु इज़ डिप्यूटेड बाई गॉड टू रिमूव सोरोज़ फ्राम दी हार्ट ऑफ पीपल। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि आप जो गम है, गमगीन होना एक मोमिन के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है कि लो फीलिंग हो जाती है, यू फील नॉट वेरी ओके। तो मेरे को ये यहाँ से ये एक रेफरेंस मिला कि इट कैन बी अ पॉइंट टू डू दुआ टू अल्लाह कि अल्लाह तू हमें रबैल की कंपनी में डाल दे और हमारे गमों को हमारे दिलों से निकाल दे। तो ये जो एंजल ऑफ रिमूविंग सोरोज़ है रबैल, ये बहुत मुझे एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त एंजल लगे। हर काम के लिए दुआ करनी चाहिए जी। अच्छा आपने अभी कई एंजल्स का जिक्र किया, आपने सबसे पहले एंजल जिब्रील के बारे में भी बताया, तो मैं चाहूँगा थोड़ा उसको आप वाजे करें कि उनकी मेन ड्यूटी क्या है, इसके बारे में आप बताएं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनको क्रिश्चियन ट्रेडिशन में होली स्पिरिट कहते हैं, वही रूहुल अमीन जो है अरबी में, वही इंग्लिश में होली स्पिरिट। तो ये तमाम बड़े बड़े जो पैगंबर हैं उनके पास वो आते थे। वो असल में खुदा से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो यही फरिश्ते हैं जो जिनके ज़रिए से हमारा कांटेक्ट खुदा से होता है, खुदा अपने मैसेजेस भेजता है। तो ये सबसे बड़े एंजल हैं, आर्क एंजल इनको बोला जाता है। तो ये इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग है। तो तमाम जो मैसेंजर, तमाम मैसेजेस जो हैं वो यही लाते हैं। कुरान में 3 बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। तो वो रिवेलेशंस लाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में थे तो उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ आए, और जब कुरान की जो फर्स्ट वर्सेस हैं जब रिवील की, तो आपने कहा कि मैं नहीं, मैं मा आना बेकारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार सीना ऐसे किया आपका पकड़ के, तो 3 बार किया खूब कस के, फिर आप पढ़ने शुरू कर दिया आपने। तो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वो होती है, सलाहियत होती है, और वो इंसानों को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो हमें रिसेप्टिव होना चाहिए उनसे लेने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर तो जो वही आती थी ना, वो आवाज़ की शक्ल में आती थी, कहते हैं कि जैसे रिंगिंग ऑफ द बेल, तो वो आवाज़ की शक्ल में आती थी। लेकिन कभी कभी जाहिर भी होते थे, कभी वही दहिया कलबी की शक्ल में, और कभी इसरा और मेराज में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को असली शक्ल में देखा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आए, जब वहाँ फिरौन से इनकाउंटर हो रहा था और वो दरिया पार करना था, तो उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर थे। और ख़ास तौर पर कुरान हर रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, और उस वक्त तक जितना कुरान रिवील हो जाता था वो आपके साथ बैठकर उसको पढ़ते थे। तो आखिरी साल जब रमज़ान में आप आए, जबकि पूरा कुरान नाजिल हो चुका था, तो उन्होंने पूरा कुरान 2 बार पढ़ा आपके साथ, और वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका ऑर्डर सेट किया, क्योंकि कुरान की आयतें जो अलग अलग उतरती थीं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसका आर्डर पूरा आया, जैसे अब कुरान है उसका आर्डर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सेट किया था। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 5 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाई। एक तो सबसे पहले वज़ू करना बताया, फिर नमाज़ पढ़ना बताया, 2 बार कहते हैं काबा में नमाज़ पढ़ाई। तो इस तरीके से जो वही वाला मामला है, खुदा के यहाँ से जो रिवेलेशन आते हैं वो सब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम करते हैं। तो कई लोग कहते थे जो ईमान नहीं लाए थे कि ये जो है वो
खुदा के यहाँ से नहीं ले आते हैं, अपनी तरफ से कुछ ले आते हैं। तो उस पर कहा गया, उसी पर कहा गया कि ये रूहुल अमीन है, ट्रस्ट वर्दी हैं, जो कुछ उनको खुदा की तरफ से मिलता है वो एज इट इज़ खुदा के पैगंबर तक पहुँचाते हैं। एंड आपा जिब्रील अलैहिस्सलाम वॉज अ कॉन्स्टेंट हेल्पर ऑफ प्रॉफिट थ्रू आउट हिज लाइफ। एंड जैसे आपने बताया भी कि दो मरतबा उन्होंने उनको ओरिजिनल फॉर्म में देखा जिसमें अल्लाह ने उनको क्रिएट किया है। और आपा वो बहुत ही अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है, मतलब जितनी बार पढ़ें आप ओ में आ जाते हैं कि प्रॉफिट सॉ दैट ही हैड 600 विंग्स एंड देर वॉज पर्ल रूबीज एंड डायमंड्स ड्रिपिंग फ्राम हिज विंग्स एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ थ्रोन विच कवर्ड द एंटायर होराइजन and the color of the sole of his feet and of his wings was green. It's such an amazing description, Apa. We hope and pray that we get to see and meet Angel Jibreel in the hereafter, inshallah. Apa, my question is that who are the blessed souls who find company of the prophets? Uske bare mein aap hum sabko bataye. Isme jo hai अल्लाह ताला इन्हीं फरिश्तों के ज़रिए से इंसान को गाइड करता है। तो मौलाना ने लिखा एक जगह कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो आपकी कंपनी से तमाम सहाबा जो हैं मुस्तफीद होते थे, लेकिन अब जो है अभी अभी हमारे पास वो तो एक वक्ती तौर पर अवेलेबल था, लेकिन अब फरिश्तों की शक्ल में हर इंसान के लिए वो कंपनी अवेलेबल है। और ये ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग अब गॉड है फॉर मैन। तो एंजल्स जो हैं वो हमारे गाइड हैं, हमें दुनिया में अच्छे काम की रगबत देते हैं, भलाई की तरफ रास्ता दिखाते हैं, और यही चीज़ है जो हमें आखिरत में हमें जन्नत में एंट्री दिलाएंगी। हज़रत जिब्रील और तमाम फरिश्ते जो हैं वो, तो कुरान में आया है कि जो लोग अल्लाह पर सच्चा ईमान लाते हैं और उस पर जमे रहते हैं उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं। तो सबसे पहले तो ईमान है और फिर उसको जमे रहना, इस्तेकामत जिसको कहा गया है। तो अगर इस्तेकामत नहीं होगा तो हम वक्ती तौर पर अगर हमने कोई चीज़ अच्छी भलाई की अख्तियार की और बाद में उसको छोड़ दिया तो उस पर खुदा की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, बल्कि हम चाहे थोड़ी ही नेकी करें लेकिन वो मुस्तकिल करें तो वो खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए यही है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन ना हो कहीं, हमारा डिविएशन ना हो, हमको एक बार सच्चाई मिल जाए तो हम उस सच्चाई पर मुसलसल चलते रहें। तो इस तरीके से हमें फरिश्तों की सहबत मिल सकती है। तो इस वही जो सूरह फुस्सिलत में आया है कि फरिश्तों की तरफ से कि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हम डेवलप करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो हमको ऐसा फील होने लगता है कि फरिश्ते हमारे साथ हैं। तो वही है कि हमको वैसे ही काम करना पड़ेगा, गॉड ओरिएंटेड थिंकिंग, गॉड ओरिएंटेड अप्रोच, गॉड ओरिएंटेड बिहेवियर। तो इसी को जो है ना कुनू रब्बानीन कहा गया है। तो हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो खुदा बन जाए। तो जब हम ये पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर लेंगे तो खुद फरिश्ते आएंगे, क्योंकि फरिश्ते तो अपॉइंट ही किए गए इंसान के लिए। तो क्या होता कि इंसान को हमेशा सीधा रास्ता दिखाते रहें। तो इसके लिए हमें अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री कर लेना है। जैसे हम हज़रत अबू बकर की मिसाल में देखा है, तो नेगेटिविटी से हम फ्री हो जाएं और हर वक्त पॉजिटिव रहें तो शैतान हमारे अंदर एंट्री नहीं पाएगा। शैतान एंट्री पाता है ईगो जब हमारा भड़कता है, तो वहाँ शैतान एंट्री पाता है। कई बार ऐसा मैंने महसूस किया है कि बात छोटी सी होती है लेकिन शैतान की एंट्री पा जाने की वजह से वो बात बहुत ही बड़ी लगने लगती है, बहुत ही सीरियस लगने लगती है। तो हमें अपने ईगो को क्रश करना है, दबाना है और अपने कॉन्शियंस को डेवलप करना है। जब हमारा कॉन्शियंस डेवलप हो जाएगा तो फिर हमें एंजल्स को एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। एंजल्स को एंट्री पॉइंट जब मिलता है, जब हमें लगता है कि हमारे पास एंजल्स हैं, तो फिर हमारे अंदर पीस, हम मतलब पीस फील करते हैं,
सोलेस हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि टेंशन तो सब मादी कंसर्न्स को लेकर ही टेंशन होता है। तो अगर हमारे पास एंजल्स हों तो हमारे पास एक स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, तो उससे महसूस होता है कि हमारे पास एंजल्स हैं। तो इसकी हमारे हमें बहुत ज़्यादा हमें चाहिए कि हम अपने जो है एंट्री जो है फरिश्तों को देना के शैतानों को। जी बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने। लास्ट क्वेश्चन से पहले कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा, कुछ सवाल व्यूअर्स ने भी पूछे हैं, बट लेकिन टाइम हो चुका है तो हम उसको अगली दफ़ा लेंगे। बट आई वुड लाइक टू रीड सम ऑफ द कमेंट्स ऑन टुडे सेशन। विक्रांत, मिस्टर विक्रांत डागर ने नोएडा से पूछा है सवाल, उन्होंने कॉमेंट भेजा है। उन्होंने लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट एंजल्स एंड अमेजिंगली एक्सप्लेन बाय फरीदा आपा टुडे। मोहम्मद याकूब उमरी साहब ने दिल्ली से लिखा है, जजाक अल्लाह खैर आपा फॉर चूजिंग दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिमाइंडेड अस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजल्स इन आवर लाइव्स। मोहम्मद आसिफ खान साहब ने कानपुर से लिखा है, आज का टॉपिक बहुत नया है मेरे लिए और आपा ने एंजल और इंसान के बीच के रिश्ते को बहुत बेहतर तरीके से वाजे किया है और बहुत कम लोग जानते हैं फरिश्तों और इंसानों के बीच के रिलेशन को। बहुत शुक्रिया CPS टीम का। मिस सारा अमन ने लिखा है, इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस, देर आर एंजल्स एंड जिन्स अराउंड अस ऑल द टाइम, द डिफरेंस बिटवीन जिन एंड एंजल्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल्स, वेरी गुड टॉपिक। मौलाना इकबाल उमरी ने चेन्नई से लिखा है, डिस्कशन अबाउट एंजल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा ऑफ रोबोटिक एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड गॉड्स प्लानिंग एंड बिलीव that God is helping us in the form of angels. Thank you very much for choosing a very good topic. Miss Farida Kamran ne Pakistan se likha hai, Jazakallah, iman boosting and spiritual talk. We learnt a lot from your session. Thank you CPS team for the great effort you are doing to guide us. Miss Tazeen Muskan ne Bangalore se likha hai, one has a total freedom in the world to be with companionship of angels or shaitan. जन्नत में पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले लोग और एंजल्स के साथ मिलेगा और जहन्नम में नेगेटिव लोग और शैतान का साथ होगा। जज़ाकअल्लाह, वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ईमान बूस्टिंग टॉपिक। आपने जैसे बताया, पूरे टॉक से यही टेक अवे भी है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से बचना है और हमेशा वी हैव टू स्टे फोकस ऑन द राइट पाथ, बी कनेक्टेड विद गॉड ऑलमाइटी, एंड वंस वी आर स्टेडफास्ट तो एंजल्स की कंपेनियनशिप हम सबको हासिल हो जाएगी। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने एक मरतबा कहा था, समझाते हुए एंजल्स के बारे में मुझे याद है, उन्होंने कहा कि फरिश्ते बहुत मासूम होते हैं, अगर ज़रा सी भी नेगेटिविटी हो तो वो फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं। तो अगर आपको कंपेनियंस की कंपनी चाहिए तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और वही आपने हज़रत अबू बकर के जो इंसिडेंट जो आपने बताया, बहुत अच्छे से उसको वाजे करता है आपा। आपा, मैं चाहूँगा कि जो लास्ट सवाल है, क्योंकि एंजल्स इनविजिबल वे में हमारी मदद करते रहते हैं हमेशा, हमें पता ही नहीं चलता है, तो मैं चाहूँगा कि मौलाना की ज़िंदगी से आप बताएं कुछ उनके एक्सपीरियंसेस कि किस तरह फरिश्तों की मदद आई उनके लिए, तो इस पर आप आज का सेशन ख़त्म करें। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन अब दो चार चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। फरिश्ते देखिए सबकी मदद करते हैं, जब कोई जैसे इमरजेंसी सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन, कई बार लोग कहते हैं अचानक मसला हल हो गया, अचानक कोई मदद आ गई, वो सब फरिश्ते करते हैं। तो लेकिन कभी कभी इंसान महसूस कर लेता है उसको। तो एक बार जब मदरसे में पढ़ते थे मौलाना, तो वहाँ से आ रहे थे, बारिश का बरसात का ज़माना था, अंधेरा था, उस वक्त लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। तो एक वो दूसरा गांव था सरायमीर, वहाँ से बढ़रिया आ रहे थे, बीच में एक गांव पड़ता था संजरपुर, उस वक्त वो पुल नहीं बना हुआ था, तो बहुत मुश्किल होती थी आना जाना। तो वो किसी समझ नहीं पाया अंधेरे में, वो किसी बहुत बड़ा सा खेत था, वो समझे कि ये शायद शॉर्टकट है,
खेत के अंदर चले गए। अब वो रात का वक्त, वो शायद पता नहीं किस चीज़ का, वो बड़े बड़े पेड़ थे उसमें, और रास्ते ही नहीं समझ में आए। वो इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं और रात का वक्त समझ में ही नहीं आए। तो अचानक कहते हैं कोई बड़ी सी, एक गांव में यूज़ होती बड़ी सी टार्च होती है, गांव में तो उसको चोर बत्ती कहते हैं। तो वो कोई लेकर आ गया और वो रास्ता दिखाता रहा पूछने, बस उसने इतना ही पूछा कि कहाँ जाना है। वो बताया कि वहाँ जाना है, तो वो रास्ता दिखाता रहा और खेत से निकल गए। जब उनको रास्ता समझ में आ गया तो वो एक अचानक गायब हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक़यात हैं। फिर उसके बाद जब शायद 20-25 साल के बीच में मौलाना को स्मॉल पॉक्स, जो बड़ी वाली चेचक होती है, वो हुई थी, पूरा फेस भर गया था। तो बहुत बहुत परेशान थे कि सारे स्कार पड़ जाएंगे चेहरे पे। तो फिर क्या हुआ, जब अच्छे हो गए, जब बाहर जाने लगे, तो एक दिन क्या हुआ, उनको देखा कि एक अरब कपड़ा पहने हुए एक आदमी आया और उसने चेहरा देखा और कहा कि ये, इसका मैं इलाज जानता हूँ। फिर वो गया खेत में लेकर के, वहाँ कोई हर्ब बताया कि ये हर्ब है, इसको रगड़ो और रगड़ के चेहरे पे लगाओ। तो उस वक्त फौरन तो पूछा नहीं मौलाना ने कि कौन है, आप कौन है। फिर वो जब जाने लगा ना, तो फौरन 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर की बात है, सोचने लगे कि उससे पूछा तो होता वो कौन है। तो फौरन वहाँ पर काम करने वाले बहुत से होते थे, फौरन एक आदमी को दौड़ाया, देखो वो आदमी कहाँ गया, वो आदमी गायब हो गया, शायद फरिश्ते ही रहा होगा। अब वहाँ गांव में वहाँ पर घर वर तो थे नहीं, खेत ही खेत थे, कोई भी आदमी नज़र आता वो नहीं दिखा। तो फिर वही लगाते रहे घिस घिस के वो हर्ब, और वो एकदम चेहरा कोई देख नहीं सकता कि कभी चेचक हुई थी, ऐसा साफ हो गया। तो एक बार लाहौर जब चले गए थे बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कोई इंजन शंटिंग कर रहा था, अब वो वहाँ पर खड़े हुए थे और बस सोच रहे थे कि इसी में कूद जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ। अब वो वहीं खड़े हुए थे इसी आलम में, तो लगा कि किसी ने पकड़ लिया है और कूदने नहीं दिया। फिर वो लंबा किस्सा है जो मौलाना ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। तो इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात। एक बार जब अम्मा का इंतकाल हुआ था, तो तकरीबन फजर के टाइम था, तो उस वक्त एक दो दिन बहुत अजीब तबीयत घबराती रही सबकी। तो मौलाना बाहर निकले दूसरे दिन शायद, तो फजर के वक्त, तो कहने लगे कि आओ ज़रा सा देखो तो क्या हो रहा है कमरे में, ऐसा लग रहा है पूरा कमरा लोग भरा हुआ है, इंसानों से, लोगों से भरा हुआ है। मैं जिस तरफ भी जाता हूँ, 3 दरवाजे हैं ना मौलाना के कमरे में, मैं जिस तरफ भी जाता हूँ लगता हूँ भीड़ में चल रहा हूँ। तो तीनों तरफ मैं चला। फिर उसके बाद शायद मैं सो रही थी, सो फजर का वक्त, तो मैं तो आ नहीं पाई। फिर कहने लगे, थोड़ी देर में दरवाज़ा खुट से बोला और सब लोग चले गए, जो फील कर रहे थे वो इनविजिबल थे, फील कर रहे थे। फिर उसके बाद एकदम माहौल सही हो गया, हम लोग बल्कि जाके मौलाना कमरे में बैठने लगे और तबीयत ठीक हो गई। तो वो ऐसे मौके पर ना शैतान आ जाता है कि लोग परेशान हैं, चलो इन लोगों को और परेशान करो। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं मतलब इसको बाद में ही कभी करेंगे, बहुत वाक़यात शब-ए-क़द्र में जी, जो ख्वाब दिखाते हैं अच्छे ख्वाब, वो भी फरिश्ते ही दिखाते हैं। शब-ए-क़द्र में मौलाना को जगाते थे, फरिश्ते ही रहे होंगे, कोई ना कोई जगा देता था, जैसे कोई कुछ खिला रहा है, कुछ हिला रहा है, तो वो तभी तो बताते थे कि आज शब-ए-क़द्र है। तो इस तरीके से मुसलसल हमारा कांटेक्ट बहुत बढ़ जाए, अगर हम टोटल सेंस में पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिविटी ख़त्म कर दें। जब हज़रत अबू बकर के साथ नेगेटिविटी के साथ फरिश्ता नहीं रहा, तो हमारे साथ कैसे रह सकता है, आप सोचिए। हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है।
जज़ाकअल्लाह आपा फॉर डूइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे। हम इस उम्मीद के साथ दुआ करते हैं कि आज की मजलिस को तमाम व्यूअर्स के साथ फरिश्ते अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और बाद में भी जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, इंशाल्लाह, आमीन। वी विल एंड टुडे सेशन एंड विल बी बैक नेक्स्ट संडे एट 10:30 AM। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।